सुप्रिया कैसे हैं आप? बहुत दिन के बाद मिल रहे हैं। सब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। नरेन की शादी फिक्स हो गई है। ओह, मुबारक हो, बहुत खुशी की बात है। क्या बात है? सब ठीक तो है? आप तो नरेन के बारे में सब जानती हैं। वो तो शादी ही नहीं करना चाहता, इसलिए हम पूजा को भी उसकी जिंदगी में लेकर के आए थे। लेकिन मेरे हस्बैंड के लिए व्यास और सिंघानिया परिवार के बीच का रिश्ता बहुत मायने रखता है। मेरी तो समझ में ही नहीं आ रहा, कहीं परिवार की खुशियों के पीछे मैं अपने बेटे की जिंदगी के साथ समझौता तो नहीं कर रही हूँ। एक माँ अपने बच्चे के लिए कभी गलत नहीं कर सकती। आप कन्हैया को तो मानते ही हैं, अगर आप गलत करती तो कन्हैया ऐसा होने ही नहीं देते। अगर आपकी परवरिश में कोई कमी होती तो नरेन शादी के लिए तैयार ही नहीं होता। आप अपना पत्नी का धर्म निभाओ। जैसे मैंने अपने माँ का धर्म निभाया फिल्म मॉम में, जो रिलीज हो रही है 7 जुलाई को अपने नजदीकी सिनेमाघर में। मैं जानता हूं कि आप मुझसे प्यार नहीं करते, लेकिन मैंने सुना है कि रिलेशनशिप में किसी एक का प्यार भी काफी होता है। मेरा प्यार हमारी गाड़ी को अकेले खींच लेगा। आप अपना टाइम ले सकते हैं। चलिए, आप मुस्कुराए तो सही। पूजा, बेटा नरेन शादी के लिए मान गया है। थैंक यू सो मच। तुम्हारी वजह से ही उसने शादी के लिए हाँ की है। 15 जुलाई की डेट फिक्स हुई है। अब तुम जल्दी से घर आ जाओ, बहुत काम करना है। नरेन बाबू को पता चलेगा कि हम दोनों की शादी एक ही तारीख को है तो कहीं परेशान ना हो जाए। ये सब आप ही के आशीर्वाद से हुआ है गुरुजी। अब शादी की शुभ तारीख भी आप ही बताइए। 15 जुलाई का मुहूर्त अति उत्तम रहेगा हरी। अब जरा ये खबर पूजा के दोस्त को दे दी जाए। हेलो, लगता है मुझसे अभी तक नाराज हो नरेन। आपने कॉल किया था। अरे भाई, बधाई देना चाहता था तुम्हें। बड़ी खुशी हुई ये सुनकर के तुमने शादी के लिए हाँ कर। और संजोग तो देखो कि दोनों दोस्तों की शादी एक ही दिन 15 जुलाई। ये रस्में तो लड़के वालों और लड़की वालों को जोड़ने के बहाने हैं, पर अगर परिवार को इसमें खुशी मिले तो इसे निभाने में क्या हर्ज। आपको भी इन रस्मों के लिए मना नहीं करना चाहिए। पर अगर तुम मेरे सारे रस्मों का हिस्सा बनोगी तो? और सिर्फ रस्में क्यों? तुम्हारी शादी का हर काम मैं संभालूंगा और मेरी शादी का तुम। मेरी शादी में पूरा समय तुम्हें मेरे साथ रहना होगा। तुम पूरा समय मेरे साथ रहोगी ना? अच्छा ठीक है, शादी की सारी रस्मों में मैं आपके साथ रहूंगी। भाई, ये शादी के कार्ड्स की डिजाइन क्या हुआ भाई? मैंने पूजा से कहा था कि उसकी शादी की सारी तैयारियां मैं करूंगा, हम दोनों एक दूसरे के हर रस्म का हिस्सा होंगे। लेकिन 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 क्या भाई, एनी प्रॉब्लम? हाँ मयंक, पूजा की शादी भी 15 जुलाई को फिक्स हो गई है। पूजा जी किसी और से शादी कर रही है, लेकिन किससे? अब आप कुछ नहीं कहेंगे, इसका मतलब आपको मेरे प्यार पर भरोसा नहीं।
आई प्रॉमिस आपको कभी शिकायत का मौका नहीं दूंगा। हरी आप तो रोने लगी यार, इन आंसुओं से मुझे बहुत डर लगता है। ऐसे मत देखिए, ये रुमाल भी आपके आंसुओं की तरह प्राइसलेस हो गया। अब इसे हमेशा संभाल के रखूंगा। सॉरी आनंद, मेरी वजह से आपको अब हर वजह की वजह आप सिर्फ अकेली नहीं होंगी, हम दोनों होंगे। पूजा की शादी भी 15 जुलाई को फिक्स हो गई है। ये तो बहुत अच्छी बात है, आज नहीं तो कल बच्ची को भी अपने घर जाना ही था। चलिए ना भाभी, हम अपने घर की शादी की तैयारियां पूरी करें। वैसे भी इतने कम समय में इतना सारा इंतजाम कैसे होगा? वही ना अंकल, पूजा के मामा जी 4 दिन में सारी तैयारी कैसे कर पाएंगे? उनकी तो अभी भी सर्जरी हुई है। क्यों ना हम पूजा की शादी इसी घर से करवाएं? इस तरह हम उसके मामा जी का भार बांट भी पाएंगे। और माँ, जो मैंने पूजा से वादा किया कि हम एक दूसरे की शादी का हिस्सा बनेंगे, वो भी पूरा हो जाएगा। लेकिन नरेन बाबू, ये दिन आपका और सुरभि का है बेटा, इसे हम किसी और के साथ कैसे बांट सकते हैं? अंकल, पूजा किसी फैमिली मेंबर से कम थोड़ी ना, जब उसने हमारे फैमिली को दूसरा नहीं समझा, जब हम सबके लिए इतना कुछ किया, क्या हम उसके लिए उसके मामा जी के लिए इतना भी नहीं कर सकते? आई एम सॉरी नरेन बाबू, आप चाहे कोई भी डिमांड रख लीजिए, लेकिन मैं अपनी इकलौती बेटी की शादी को सामूहिक विवाह नहीं बनाऊंगा। देखो नरेन, पूजा के लिए तुम्हारे अफेक्शन को हम सब समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ तुम्हारी शादी की बात हो रही है और इस दिन तुम्हें सिर्फ सुरभि की परवाह करनी चाहिए, पूजा की नहीं। प्लीज भाभी, समझाइए आप नरेन को, और अगर नरेन को वाकई में पूजा की शादी अटेंड करनी है तो फाइन, हम अपनी तारीख आगे करा लेते। नो डैड, इसकी कोई जरूरत नहीं है। पर बेटा, डैड, अगर नरेन चाहता है कि उसकी और पूजा की शादी एक ही दिन एक ही जगह से हो, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर नरेन मेरी इतनी बात रख रहा है, तो क्या मैं उसकी छोटी सी विश पूरी नहीं कर सकती? थैंक यू सरबी। माँ, हमें पूजा के घर जाकर उसके घर वालों से भी बात करनी होगी। सॉरी डैड, लेकिन इस वक्त मैं इस शादी में कोई रुकावट नहीं चाहती। आज नरेन की सुनूंगी, तभी तो शादी के बाद इस बोंदू से अपनी हर बात मनवाऊंगी। मैं अभी आई। मयंक, क्या हुआ बेटा? तू पूजा जी की शादी तय हुई है और मुझे इस बात की खबर भी नहीं है। अरे बेटा, हर लड़की को एक ना एक दिन शादी तो करनी है। हाँ, लेकिन वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो तो मुझसे प्यार करती है ना। ज-
जानती थी मैं, ये लड़की कोई ना कोई पासा जरूर फेंकेगी। अब जब नरेन हाथ से निकल गया तो मेरे बेटे के पीछे पड़ गई है। माँ, आप उसके बारे में इतना नेगेटिव क्यों सोचती हो? वो अच्छी लड़की है, मैं जानता हूँ। और माँ, मैंने तय कर लिया, मैं शादी करूंगा तो सिर्फ पूजा जी से करूंगा, नहीं तो मैं शादी ही नहीं करूंगा। ठीक है, अगर ये तेरी जिद है तो मेरी भी बात सुन ले। मेरे जीते जी मेरे बेटे की जिंदगी उस मोहिनी के हाथ में कभी नहीं दूंगी। पूजा मेरी बहू नहीं बनेगी। हर्षा, क्या हो रहा है? शांत हो जाओ मैक। और हर्षा, बच्चों की खुशी से बढ़कर अपनी नाक नहीं होती। और ये पूजा के बारे में ऐसी उल्टी सीधी बातें तुमसे किसने कही? गुरुजी ने तो कहा ही था मुझसे, लेकिन मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है उस मोहिनी के रंग ढंग। मुझे भी गुरुजी ने कहा था कि पूजा मुझसे प्यार करती है। हर्षा, समय बदल रहा है, बच्चे अगर अपनी मर्जी से शादी करेंगे तो खुश रहेंगे और उनकी खुशी में ही हमारी खुशी है। मयंक, तुम्हारा रिश्ता लेकर पूजा के मामा के पास मैं जाऊंगा। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। पूजा मेरी बहू नहीं बनेगी तो नहीं बनेगी, बस। डोंट वरी मयंक, तुम्हारी माँ को मैं मना लूंगा, लेकिन फिलहाल देहरादून जाकर पूजा के मामा से बात करना बहुत जरूरी। थैंक यू। हमारी बच्ची की शादी तय हो जाए और हम उसका लाड ना करने आए, ऐसा हो सकता है क्या भाई साहब? भाभी जी, आपसे एक विनती करनी थी, प्लीज मना मत कीजिएगा। नारायण ने मुझे नरेन सा एक बेटा दिया है, पर कहीं ना कहीं एक बेटी की चाह हमेशा रही है। मुझे पता नहीं था, देर से ही सही, पर नारायण मेरी इस इच्छा को भी पूरा करेंगे। जब से पूजा हमारे घर में आई है सब कुछ बहुत अच्छा हुआ है, इसलिए हम सबका, खासकर नरेन का बहुत मन है पूजा की शादी हमारे आंगन से ही हो। सुप्रिया जी, आपने इतनी बड़ी बात कह दी, हमारे लिए यही बहुत है, लेकिन मैं अपनी बेटी का कन्यादान अपनी दहलीज से ही करना चाहूंगा। और भाभी जी, अगर पूजा की डोली आपके यहाँ से उठी तो लोग तो यही कहेंगे कि मामा मामी ने अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया। मैम, मैं ये तो नहीं जानता कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन ये जानता हूं कि सौरी सारा काम अकेले नहीं कर पाएंगे, और अगर दोनों शादियां साथ में हो तो काम का जो बोझ है वो भी तो बढ़ जाएगा, और इसी बहाने मैं और पूजा एक दूसरे के शादी का हिस्सा बन पाएंगे। सर, प्लीज मना मत कीजिएगा। आंटी, मैं आपकी और नरेन बाबू की भावना समझती हूँ, लेकिन मैं मामी की बात से भी सहमत हूँ। ऊपर से एक ही जगह दो दो शादियाँ संभालने में मुश्किल हो जाएगी। आप ही सोचिए आंटी, एक ही जगह चार चार परिवार के लोग कैसे रहेंगे? नरेन बाबू, बेहतर यही होगा कि दोनों शादियाँ अलग अलग जगह से ही हो। मामा, मेरी भी तो इस घर से कितनी यादें जुड़ी हैं, मैं तो यही चाहूँगी कि मेरी डोली मेरे अपने घर से उठे। आनंद, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है अगर अगर पूजा की शादी हमारे घर पे हो? ऐसा
अरे बिल्कुल भी नहीं नरेन बाबू, इनफैक्ट ये तो अच्छी बात है, इसी बहाने हम पूजा के दोस्त की शादी भी अटेंड कर लेंगे। क्या हुआ मैडम, इतना मत सोचिए, अपने दोस्तों की इतनी बात तो रख ही सकती है ना। मामा जी मान जाइए। अब सभी बच्चों का यही मन है तो यही सही। लेकिन सुप्रिया जी, शादी की सारी रस्में भले ही आपके घर से हों, लेकिन पूजा की डोली हमारे ही घर से उठेगी। बिल्कुल भाई साहब, पूजा को दोनों मायके का सुख मिलेगा। रस्में हमारे यहाँ से होगी और विदाई इस घर से। So, case closed? Thank you. You're welcome. नरेन बाबू आप अंदर जाइए ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। अब यहाँ खड़े रहने के लिए भी डॉक्टर साहब की इजाजत लेनी पड़ेगी। फाइन। नरेन बाबू, हर समय इतनी जिद, कभी तो बात समझा कीजिए। और ये साथ में रस्में हो, ये कैसी जिद हुई? क्यों, इसमें प्रॉब्लम क्या है? नरेन बाबू, हम दोनों के परिवार एक दूसरे से काफी अलग है। हम लोग बहुत साधारण लोग हैं। ऐसे में दोनों घरों की शादी एक ही जगह होगी तो बात बात पर तुलना होगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे मामा का किसी भी तरह से अपमान हो। बस इतनी सी बात, डोंट वरी पूजा, तुम्हारे मामा जी का मान मेरी जिम्मेदारी। तुमने ही कहा था ना कि इस दुनिया को एक लड़का और लड़की की हमजोली मंजूर नहीं, तो अगर इन रस्मों के बहाने हमें एक दूसरे की खुशी बांटने का मौका मिल रहा है तो इसे कैसे गवा दे। पूजा, मेरे दादाजी हमेशा कहते थे कि जिंदगी को अगर चैलेंज समझकर जिया जाए ना तो जिंदगी कभी भारी नहीं लगेगी। इससे ज्यादा सोचना बंद करो, नहीं तो तुम्हारे डॉक्टर साहब मुझे ही टोकेंगे कि मैंने अपने दोस्त की खुशी का ध्यान नहीं रखा। जी, मैं नरेन व्यास का पापा हूँ, राकेश कौशल। आइए सर। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। आइए जी, मुझे आपसे पूजा के बारे में कुछ बात करनी है। पूजा आ गई। गुप्ता जी, पूजा जब से हमारे घर पे आई है, इसने हम सब के दिल में अपने लिए एक अलग जगह बना ली है। हम सबको इसकी आदत सी हो गई है, और अब जब ये शादी करके चली जाएगी तो इसे कितना मिस करेंगे हम, मैं आपको बता भी नहीं सकता। मैं आपसे बस ये कहने आया था गुप्ता जी, इस शादी में आप अपने आप को अकेला मत समझिएगा। मैं आज बहुत खुश हूं कि पूजा की शादी डॉक्टर साहब के साथ हो रही है। ऑल द बेस्ट टू यू। अब अच्छा, अब चलता हूं। गुरुजी दिखाई नहीं दे रहे हैं, सुना है आजकल यहीं ठहरे हुए। जी वो शायद किसी काम से बाहर गए। जी
बंधु कहते हैं सब लोग मुझे। सुरभि और आप एक नए रिश्ते में जिंदगी भर के लिए बंधने वाले हैं। आपने ये बंधु वाला खेल क्या खूब खेला है गुरुजी? ये पूरा खेल ही बंधु खेल रहा है। मैं तुम्हें इस मुसीबत से बचा सकता हूं बंधु। अपनी बर्बादी के दिन गिनने शुरू कर दीजिए बंधु। कौन है ये बंधु? आओ बंधु आओ, बहुत तरसाया तुमने, गले नहीं लगोगे? क्या गुरुजी मेरे ही बेटे की बलि चढ़ाने चले थे? कमजोर होते इतने क्या रिश्ते, मन की गवाही भी कम पड़ जाए। जीते जागते लोगों को जोड़ने दिखावटी रस्में क्यों काम आए?